चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और ये देखिए, मैं बालकनी में खड़ा हूँ और यहाँ बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़े आ रहे हैं। और साथ में मैंने ले रखी है गर्मा गर्म चाय, और ये लीजिए दोस्तों सुबह की गर्मा गर्म चाय। तो अभी तो पापा जी उठे नहीं हैं, अभी थोड़ी देर में उठ जाएंगे और फिर निकलेंगे हम अब गाज़ियाबाद की तरफ, क्योंकि आज हो चुका है वहाँ में दूसरा दिन यहाँ पे। तो अब घर भी जाना है, आज संडे है क्योंकि, और ऑफिस भी कल निकलना है, तो आज हमें निकलना ही पड़ेगा। तो बस अभी कुछ देर में रेडी हो गए, निकलते हैं। और ये देखिए, हमारे छोटे से बीबू भी उठ गए हैं, उठ गए हैं, उठ गए हैं। किस टाइम उठ गया था बीबू? हैं, फिर सो गया? झूठी मूठी कर रहा, झूठी मूठी। नींद आ रही अभी? हैं, बोल के नहीं रहा शर्मा रहा आज? कल तो खुल गया था, शर्माने लग गया। एक दिन बोलता है, एक दिन शर्माता है। तो ये बीबू देखिए, ये सोच रहा है मैं इसकी सेल्फी ले रहा हूँ और बना रहा हूँ मैं इसकी वीडियो, इसे पता भी नहीं है। बीबू आई आई आई, मेरे बाल पकड़ लिए तुमने, तो आज बड़ी शरारत कर रहा है। और ये इधर सचिन भाई भी उठ चुके हैं, और ये भी आज मेरे साथ भाभी को लेकर चलेंगे, घूम के आएंगे गाज़ियाबाद। कह रहे हैं ओए टूट जाएगा ये, आराम से रखियो। हैं सचिन, चलेगा ना? बिल्कुल पक्का पक्का। देखते हैं कितना पक्का, क्योंकि जब जाएंगे तब तो दिखाऊंगा ही। अरे बीबू खेलते हुए आज तो भूल गया, कंचे कुंचा आज नहीं खेल रहा। और दोस्तों पापा और मैं रेडी हो चुके हैं, नहा धो के इधर पापा जी बैठे हैं और अब खा रहे हैं हम। दिखाता हूँ क्या खा रहे हैं। हम खा रहे हैं आलू प्याज के पराठे दही और मक्खन के साथ। पापा जी तो खाने भी लग चुके हैं, तो आइए दोस्तों आप भी गर्मा गर्म पराठे खाइए और जीवन का आनंद उठाइए। और इधर हमारे विभू महाराज ये क्या नमक चाट रहे हैं, नमक चाट रहा, नमक अच्छा लगा चाटना है? सही है, मस्त मौला कुछ भी करने लग जाए हो। तेरा चाचो मेरे साथ कंचे खेलो, कंचे खेलो। मैं तो वैसे ही खेलने लग गया था, अब पीछे बढ़ गया, कंचे ही खेलो मेरे साथ। बच्चों का यही होता है ना। चलो जी फिर निकल रहे हैं खाना खा के घर की तरफ। और जी हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट और बच्चे खेल रहे हैं और भाभी जी अपना काम में लगी पड़ी हैं। और भाभी जी सचिन के साथ जरूर आना, ठीक है? हूँ नहीं पक्का। और दोस्तों हम निकल चुके हैं घर की तरफ, और अभी हम 2 से 3 घंटे में गाज़ियाबाद पहुँच जाएंगे। और आज हम इसलिए निकल गए थे कि जल्दी पहुँच के फिर आराम कर लेंगे, कल आराम से ऑफिस भी चले जाएँगे। और आज जो मौसम हो रहा है वो देखिए, धूप और छांव ऐसे हो रही है, कभी धूप निकल जाती है तो कभी छांव, तो मुझे लगता है हर जगह ही ऐसी हो रही है। ओह क्या स्पीड में जा रहा है। और दोस्तों हम रास्ते में रुके हैं पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर, और यहाँ से बस अब चलेंगे 5 मिनट बाद, क्योंकि लंबा सफ़र है तो थोड़ा थक भी जाते हैं। और फिर अब तो सीधा गाज़ियाबाद ही रुकेंगे, 40-50 किलोमीटर ही रह गया, 1 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। और गाड़ियों की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी, दिखाता हूँ। ये देखिए गाड़ियाँ चल रही हैं पूरी, और बादल हो रहा है बढ़िया वाला, बारिश भी आ सकती है, अभी आई तो नहीं है लेकिन आ सकती है। और पीछे देखिए हरियाली क्या मस्त है, इधर ये खेत भरे हुए हैं पानी के, बड़ा मस्त माहौल हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आपको घर जाके मिलता हूँ। और दोस्तों हम आ गए हैं घर, अब जस्ट अभी पहुँचे हैं, और रास्ते में बहुत थक गए, और 3 बार तो बारिश हुई, मुझे मोबाइल भी अंदर रखना पड़ा, वो मैं सीन आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। तो फिर बड़ी मुश्किल से आए हम, और यहाँ पे गाज़ियाबाद में इतनी हुई भी नहीं, थोड़ी बहुत बता रहे हैं वज्रमरा से किनमिन सी। और आते ही देखो ब्राउनी, ब्राउनी कितना मतलब हमारा वो कर रही थी वेट, अभी दिखाता हूँ कैसे लिपट रही है हमसे। हाय ब्राउनी, आ गया मैं, मेरे पप्पू, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, चैट रही हो जा। ओए ओए ओए, गुस्सा क्यों, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? अच्छा भूख लग गई तुझे, भूख लग गई? भूख की लगे मेरी पुच्चू को, देखो बिस्कुट रखे, आ जा, देखो मेरे पास आ गई, गोदी में लटकेगी क्या?
ए कुकू चल खाना खा ले तू है पैर छुरी। आयुष्मान भवा आयुष्मान भवा ला चाट ले लड्डू हमारी लड्डू। और इधर पारोल आते ही बना दिया हमारे लिए गर्मा गर्म मैगी चटपटी वाली। ये घर मैगी बना रही है पी बना रही हो ये मैगी अच्छी लगा है। चलो ये पी बना रही बना दी अब क्या। और इधर माँ जी बैठी हैं अपना बाल खोल के और मम्मी जी बैठी हैं हमारी। और मम्मी जी लग गया था हमारे बिना खाली खाली घर लग रहा खाली खाली। हम इतने मोटे भी नहीं है जो खाली लगा तो मगर। और ये देखो कितना सामान बिखर गया आती है तो जामुन खोल लो ये खराब ना हो जाए। अच्छा चलो दोस्तों अब मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ और फिर थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। और दोस्तों करनाल गए थे ना तो सचिन ने वो दी थी जामुन ला के तो देखिए कितनी सारी जामुन दी बिल्कुल काली काली हैं बहुत मीठी मीठी हैं। मम्मी ने तो देखो कितनी खा भी ली मम्मी को अच्छी लगे मुझे भी अच्छी लगा जामुन तो अच्छा। आइए दोस्तों आप भी आनंद लीजिए जामुन का। और दोस्तों मम्मी जी निकाल रही हैं मलाई से घी मक्खन और फिर मक्खन से बनाएंगी घी। अभी मक्खन से अभी तो मक्खन बनने का प्रोसेस चल रहा है। निकल गया हाँ ये देखिए कितना मक्खन निकला है वाह जी वाह मुझे तो मक्खन ही बहुत अच्छा लगता है ऐसे। चुप रहो बताओ पारुल भी हंसी मुझे डांट पड़ती। और इधर ये चावल निकाल रखे हैं एक्चुअली चावल में बहुत छोटी छोटी सुतरी हो गई थी। और क्या कहते हैं माँ जी बाहर पछोड़ रही हैं दिखाता हूँ माँ जी को भी माँ जी को दिखाता हूँ। ये रही हमारी माँ जी ये पछोड़ रही हैं चावल इसमें सुसरी निकाल रही हैं। देखिए दोस्तों हद हो गई ये तो बहुत ज़्यादा है बहुत ही ज़्यादा ये सारी ब्लैक वाली सब सुसरी हैं। तो अब इसको पछोड़ के फिर इसमें दवाई रख देंगे। और तुम क्या कर रहे हो पापा जी अब इसमें ये दवाई लगाऊंगा ना तो इसमें अंदर दवाई थोड़ी डलेगी अंदर ही डल जाएगी। अरे इसको सारी मत पाउडर ही तो है पाउडर आए दो नहीं पाउडर तो मिल जाएगा नुकसान नहीं करेगा हमारे वो धोने पड़ा जहर तो नहीं होता ना ये कभी जहर नहीं होता है तो कुछ ऐसा मरती है आदमी नहीं मरते इससे। अरे ब्राउनी इधर लेटी ऐसा कोई बात ही नहीं कर रहा है ब्राउनी ऐसा कोई बात ही नहीं कर रहा यही तो बात है अभी तो गुस्सा है गुस्से गुस्से कुछ नहीं बोलती हो कैसे पढ़ी आराम से तो गुस्सा क्यों है बोल तो सही जब तो पता चलेगा ए ब्राउनी तो मुंह तेरा देखो मुंह भैया तो उठ गया है आज नहीं बात कर रही बिल्कुल भी नहीं बात कर रही आ तो उठ गई भाई बोल नहीं रही पापा बोल नहीं रही हो कहाँ सो रही है लोटी आराम से। और ये रहा देखो हमारा दोस्तों मक्खन। और दोस्तों ये मंगाया था मैंने पिज़्ज़ा रात में क्योंकि बहुत दिनों से पिज़्ज़ा नहीं खा रहे थे तो आज मन हो रहा था तो दो मंगाए थे लेकिन जब तक तो मैं वीडियो स्टार्ट करी एक तो चट हो गया एक एक पारस और मम्मी और पापा ने एक साफ़ कर दिया और दूसरा ही बचा है मैंने कहा चलो इसकी तो बना लूँ नहीं तो ये भी साफ़ हो जाएगा इतनी सी देर में। तो आइए दोस्तों आप भी मेरे साथ पिज़्ज़ा खाइए और देखिए बताइए कैसा लग रहा है मुझे देखने में ज़बरदस्त लग रहा है। और ये पारुल बना रही है मेरे लिए नींबू पानी और इधर बना रहे हैं पापा जी हमारे लिए नमकीन। वैसे नमकीन तो बनी हुई है बस उसको चटपटा कर रहे हैं टमाटर और प्याज डाल के नींबू डाल के काट रहे हैं टमाटर वमाटर और एकदम चटपटी नमकीन बना देंगे जैसे वो मिलती है ना बाहर मिलती है वो ठेले वाली बेचते हैं बिल्कुल ऐसी बन जाएगी ये भेलपूरी बनती है भेलपूरी बन जाएगी भेलपूरी। कढ़ी बनाओगी मम्मी फिर कढ़ी खा रहा था पापा मुझे साग अच्छा लगा मम्मी इसका साग बना दे साग से आई कल लिया होगा।
कल साग ले आऊं। हां आलू पालक तो ले आओ। हां हां यही करें। आज भी अंडे मंडी में जा सकते नहीं आज थक रहे। अब मिल जा। हां मिल जा। चलो बना दो। ये लीजिए चटपटी नमकीन। अच्छी बनी है देखिए दोस्तों। और इधर हमारा नींबू पानी बनकर रेडी है। तो आइए हमारे साथ पार्टी एंजॉय कीजिए। और आज के व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अब तक के लिए टाटा बाय बाय।